अस्सलाम वालेकुम तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंथ क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नंबर थर्टी सेवन जिसका नाम है दोहे वैसे तो आप लोग दोहे हिंदी में पढ़े होंगे कबीर के दोहे रहीम के दोहे आज आप लोगों को उर्दू में दोहा पढ़ना है कि दोहा किसे कहते हैं और उसमें ढेर सारा जो दोहा है उसका तशरीह भी करूँगी मैं ठीक तो इनफैक्ट हिंदी से ही उर्दू में दोहा आया है शुरुआत में दोहा हिंदी में ही लिखा जाता था लेकिन हिंदी को देख देख कर उर्दू में भी दोहा लिखा जाने लगा ठीक है तो उर्दू में दोहा कौन से लैंग्वेज से कौन सी जुबान से आया है तो हिंदी जुबान से ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है और इनफैक्ट पूछा जा चुका है क्वेश्चन यहाँ से उठाता है कि उर्दू जुबान में दोहा किस जुबान से आया है और ऑप्शन में दिया रहता है हिंदी तो आप लोगों को हिंदी टिक करना है ठीक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा चुका है ठीक और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा पूछता है राइटर यानी कि मुसनफ़ से तो इस चैप्टर के जो मुसनफ़ लेखक हैं वो है ज़फ़र गोरखपुरी राइटर का क्या नाम है ज़फ़र गोरखपुरी तो सबसे पहले हम लोग ज़फ़र गोरखपुरी के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेंगे ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग एक भी क्वेश्चन ना छोड़ कर आए और उसके बाद से हम लोग दोहा समझेंगे कि दोहा किसे कहते हैं और सारा दोहा दोहा का मैं तशरी भी करूँगी ठीक है तो ज़फ़र गोरखपुरी के बारे में समझिए इनकी पैदाइश हुई थी पाँच मई उन्नीस सौ पैंतीस ईस्वी को उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के गोरखपुर बांस गांव तहसील के बेदौली बाबू गांव में ठीक है पाँच मई उन्नीस सौ पैंतीस को इनकी पैदाइश हुई थी यूपी के आप डायरेक्ट बोल सकते हैं बेदौली बाबू गाँव में ठीक है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश कहाँ हुई और ऑप्शन में दिया रहता है यूपी और नहीं तो बेदौली बाबू नाम का गाँव दिया रहता है ठीक है तो ये दोनों में से कोई पूछ सकता है तो याद रखिएगा ठीक है और जफ़र गोरखपुरी शेर व शायरी में बहुत ज़्यादा फेमस हुए इनका मतलब खसूसियत फ़ीचर्स था कि ये क्लासिकल शायरी और मॉडर्न शायरी पर ज़्यादा जोर देते थे जदीद शायरी जदीद शायरी यानी कि मॉडर्न शायरी जो अभी के लोग शेर व शायरी सुनना पसंद करते हैं उस तरह की ये शर्व शायरी लिखा करते थे और यही इनकी सबसे बड़ी खसूसियत इनकी विशेषता थी ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और प्लस इनका तजुर्बा था कई सालों का ठीक तो और नज़मों गज़लों और गीतों के साथ साथ ये काफ़ी तादाद में दोहे भी लिखे हैं नज़ों गज़लों और गीतों के साथ साथ ये ढेर सारे दोहे भी लिखे हैं और दोहे के साथ साथ फ़िल्मी ये नग़मे भी लिखा करते थे ये भी याद रखिएगा और इनके शायरी के सात मजमू यानी कि सात किताब का नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है याद रखिएगा पहला है तीशये दूसरा है, है वादिय संग गोखरे के फूल चिराग चश्मे तर आर पार का मंजर ज़मीन के करीब हल्की ठंडी हवा ये सातों जो है किताब शेर व शायरी का किताब है जिसको जफर गोरखपुरी ने लिखे हैं ठीक है उसके बाद से इन इन ने बच्चों के लिए भी किताबें लिखी और ये इनका एक प्लस पॉइंट हो गया फेमस होने का कि ये बच्चों के बारे में भी सोचा करते थे और उनके लिए भी किताबें लिखें ठीक तो जफर गोरखपुरी के ज़फ़र गोरखपुरी का लिखा हुआ दो किताब जो कि बच्चों के लिए है वो है एक नाचिर गुड़िया और दूसरा है सच्चाई ये दोनों किताब का नाम याद रखिएगा यहाँ पर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि जफ़र गोरखपुरी के लिखी हुई बच्चों के दो किताबों के नाम लिखिए सब्जेक्टिव में पूछता है और दोनों का आप लोगों का नाम लिखना होगा पहला में लिख दीजिएगा नाच रे गुड़िया और दूसरा में लिखिएगा सच्चाई अगर क्वेश्चन पूछेगा तो या फिर इसी को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि ज़फ़र गोरखपुरी ने बच्चों के लिए किताबें लिखी और उनमें से एक है और ऑप्शन में कोई एक दे देगा नाचरे गुड़िया नहीं तो सच्चाई दोनों में से कोई दे देगा एक ठीक तो ये इम्पोर्टेंट है जित जो भी क्वेश्चन जहाँ से उठा सकता है वो सारा चीज़ मैं आप लोग को बताती रहती हूँ हमेशा नोक करती रहती हूँ कि ये चीज़ याद रखिएगा अगर उस चीज़ को अगर आप लोग फोकस कर लेते हैं उस चीज़ को आप लोग माइंड पर ले लेते हैं कि हाँ मैं ये बोली हूँ याद करने के लिए यहाँ पर मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट समझते हुए बताइ वो सारा इंपॉर्टेंट समझते हुए अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बस मैं आप लोग को जहाँ जहाँ नोक कर देती हूँ जहाँ जहाँ बता देती हूँ कि ये ये इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट सभी चीज़ जितना भी मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ वो सारा इम्पॉर्टेंट समझते हुए हुए ही पढ़ाती हूँ तो सारा का सारा आप लोगों को याद रखना है ठीक तो अब चलिए हम लोग समझते हैं कि दोहा किसे कहते हैं सबसे पहले आप लोगों को जानना यही ज़रूरी है कि दोहा किसे कहते हैं तो पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीन शॉर्ट अब चलिए हम लोग समझते हैं कि दोहा किसे कहते हैं देखिए दोहा एक प्रकार का छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्राएं और दूसरे एवं चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं उसी को कहते हैं हम लोग दोहा अब इसका मतलब क्या हुआ हम लोग समझते हैं यहाँ पर बोर्ड पर देखिए मैं आप लोगों को जो दोहा पढ़ना है चैप्टर नंबर थर्टी सेवन में उसी में का पहला दोहा यहाँ पर लिख दी हूँ उर्दू में भी लिखी हूँ और इसी उर्दू में लिखे हुए दो दोहे को मैं हिंदी में भी लिख दी हूँ ताकि आप लोग को और बेहतर तरीके से समझ में आए ठीक है थीक? तो पहले पढ़िए इस दोहा को तारे छू जुगनू पकड़ देखिए आप लोग का पहला सेंटेंस है तारे छू जुगनू पकड़ तो इस पहले सेंटेंस को ही बोला जाता है पहला चरण तारे छू जुगनू पकड़ उसके बाद क्या है आप लोग का देख रहे हैं यहाँ पर कॉमा है तो ये हो गया आप लोगों का पहला चरण इसी को क्या कहते हैं पहला चरण या फिर बोलिए स्टेप या फिर बोलिए पहला सेंटेंस उसके बाद से आगे पढ़िए रच सपनों के खेल ये हो गया आप लोगों का दूसरा स्टेप यानी कि दूसरा चरण फिर रात की इतनी उम्र है ये गया आप लोगों का तीसरा चरण यानी कि तीसरा स्टेप या फिर तीसरा सेंटेंस बोलिए और दिए में जितना तेल ये हो गया आप लोगों का चौथा चरण यानी कि एक दोहा में कितने चरण होते हैं कितने स्टेप होते हैं तो चार चरण होते हैं तारे छू जुगनू पकड़ ये हो गया आप लोगों का पहला स्टेप रच सपनों के खेल ये हो गया आप लोग का दूसरा चरण यानी कि दूसरा स्टेप रात की इतनी उम्र है ये तीसरा चरण हो गया और दिए में जितना

पहले और तीसरे चरण में कितना मात्रा होना चाहिए तेरह तेरह मात्रा पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्रा होना चाहिए और दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्रा होना चाहिए अब इसका मतलब क्या हुआ अब मैं आप लोगों को मात्रा गिनकर समझाऊंगी तब आप लोगों को समझ में आया वही मात्रा गिनना है अ आ ई छोटी बड़ी की मात्रा गिनना है देखिए पहला ये जो चरण है तारे जुगनू पकड़ इसमें ये तेरह मात्रा से मिलकर बना रहना चाहिए तीसरा जो चरण है रात की इतनी उम्र ये भी तेरह मात्रा से यानी कि दोनों तेरह तेरह मात्रा से मिलकर बना मिलकर बना रहना चाहिए उसके बाद से दूसरा और चौथा चरण है ये भी ग्यारह ग्यारह मात्रा से मिलकर बना रहना चाहिए तब आप इसको बोलेंगे दोहा अब देखते हैं कि तारे छू जुगनू पकड़ और ये जो तीसरा चरण है रात की इतनी उम्र ये दोनों चरण तेरह मात्रा से मिलकर बना है कि नहीं और फिर ये दो चरण है दोनों ये ग्यारह ग्यारह मात्रा से मिलकर बनना है कि नहीं मतलब आप लोगों को मात्रा गिनना है देखिए ता है ठीक है तो ता में त प्लस आ है यानी कि दो मात्रा है त तो प्लस आ मिलकर ता बना है तो यानी कि ता में कितनी मात्रा है दो मात्रा है उसके बाद से रे है रे में प्लस ए है यानी कि इसमें भी दो मात्रा तो यहाँ पर दो लिख दीजिए उसके बाद से छू है छू में छ है प्लस ऊ है और वो भी नहीं तो ये कौन सा ऊ है एक होता है तारकुनू एक होता है बारजुनु तो यहाँ पर है बड़ा वाला ऊ बार्जुन ठीक है तो छ प्लस ऊ यानी कि इसमें भी दो मात्रा है अब उसके बाद से जू है जू में ज प्लस ऊ है लेकिन यहाँ पर कौन सा ऊ है तारकुन ऊ है यानी कि छोटा वाला ऊ है तो जब छोटा वाला ऊ रहता है ना तारकुन ऊ तो उसको मात्रा में नहीं जोड़ते हैं तो ज प्लस ऊ है आप लोगों को लग लग रहा होगा कि इसको दो मात्रा गिना जाएगा लेकिन नहीं इसको दो मात्रा नहीं इसको एक ही मात्रा गिना जाता है जब छोटा वाला ऊ रहता है ना तारकुन ऊ तो उसको मात्रा में नहीं गिना जाता है यहाँ पर जू में सिर्फ एक ही मात्रा है उसके बाद से ग है इसमें तो कुछ है ही नहीं ग में सिर्फ एक ही मात्रा उसके बाद से नू है न प्लस ऊ और वो भी नहीं तो कौन सा ऊ है तो बार्जून ऊ है यानी कि बड़ा वाला वह है तो इसको मात्रा में जोड़ेंगे न प्लस ऊ यानी कि इसमें दो मात्रा है ठीक है और उसके बाद से प है प में एक मात्रा इसमें तो कुछ है ही नहीं और अ इसमें कुछ जुड़ा ही नहीं है सिंपल प है तो प सिर्फ एक ही है तो एक मात्रा हो गया क है इसमें भी एक मात्रा और र है इसमें भी एक मात्रा ठीक है अब इन सबको जोड़िए सभी मात्रा को जोड़िए कितना हो रहा है दो दो चार दो छ छः सात आठ आठ दो दस दस ग्यारह बारह तेरह कितना मात्रा हुआ टोटल जोड़कर तेरह मात्रा हो गया देखिए ये जो पहला चरण है ये तेरह मात्रा से मिलकर बना हुआ है उसी तरह आप तीसरा चरण को गिनिए अब तीसरा चरण को भी गिनकर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ देखिए रा है यानी कि रा प्लस आ दो दो मात्रा से मिलकर बना हुआ है तो यहाँ पर लिख दीजिए दो उसके बाद से त है यानी कि एक मात्रा है की है अब देखिए की में छोटी वाली की जो होती है ना वो इधर से रहती है और बड़ी वाली की इधर से रहती है ठीक है तो ये छोटी वाली की है और ये बड़ी वाली की है तो यहाँ पर देखिए की में कौन सी की की मात्रा है छोटी वाली ई की मात्रा है ठीक है तो जब छोटी वाली ई की मात्रा रहती है ना तो उसको मात्रा में नहीं जोड़ा जाता है की में क प्लस ई है लेकिन आप इसको बोलेंगे कि इसमें एक ही मात्रा है छोटी वाली की मात्रा नहीं लिया जाता है अगर बड़ी वाली इधर से की रहती ना इधर से ये इधर से रहता की तो आप इसमें बोलते कि दो मात्रा है लेकिन इधर छोटी वाली ई की मात्रा है तो आप बोलेंगे इसमें एक ही मात्रा से मिलकर बनाओ तो की में हो गया एक उसके बाद से ई है सिर्फ ई तो इसमें भी एक मात्रा हो गया तो है इसमें भी एक मात्रा है नी है नी में न प्लस ई है और वो भी नहीं तो कौन सी ई की मात्रा है तो बड़ी वाली ई इधर वाली ई की मात्रा है तो आप बोलेंगे इसमें न प्लस ई यानी कि इसमें दो मात्रा है उसके बाद से ऊ है एक मात्रा म तो है एक मात्रा र है एक मात्रा और है है ह प्लस ए यानी कि इसमें दो मात्रा है तो यहाँ पर दो मात्रा लिख दीजिए अब इन सबको जोड़िए तो पूरा तेरह मात्रा हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है जोड़िए एक बार देखिए दो तीन चार पाँच छः छः दो आठ नौ दस ग्यारह और ग्यारह दो तेरह तो तीसरे मात्रा में कितना मात्रा आ रहा है तीसरे चरण में कितना मात्रा आ रहा है तो तेरह मात्रा आ रहा है पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्रा आ गया अब उसी तरह आप लोग दूसरे और चौथे चरण में देखिए कि ग्यारह ग्यारह मात्रा आ रहा है कि नहीं चलिए इसमें भी मैं आप लोग को जोड़कर बता दे रही हूँ देखिए र है र में एक मात्रा च है इसमें भी एक मात्रा ठीक है और उसके बाद से स है इसमें भी एक मात्रा प है एक मात्रा नो है न प्लस ओ यानी कि इसमें दो मात्रा है तो यहाँ पर दो लिख दीजिए के क प्लस ए यानी कि इसमें भी दो मात्रा खे है ख प्लस ए यानी इसमें भी दो मात्रा और ल है ल में तो एक ही मात्रा है सिंपल ल है तो ठीक अब इन सबको जोड़िए एक दो तीन चार चार दो छ छः दो आठ आठ दो दस एक ग्यारह यानी कि दूसरे चरण में कितना मात्रा हो गया ग्यारह मात्रा हो गया उसके बाद से चौथे चरण में जोड़िए है। दी है दी में कौन सी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा है इधर से है तो आप इसको सिर्फ बोलेंगे कि इसमें एक ही मात्रा है द प्लस ई से मिलकर बना हुआ है लेकिन अगर छोटी ई की मात्रा है तो एक ही मात्रा आप लोग गिनते हैं अगर बड़ी ई की मात्रा रहती इधर से दी रहती तो आप बोलते हैं इसमें दो मात्रा है लेकिन यहाँ पर एक छोटी बड़ी की मात्रा है तो आप इसको बोलेंगे एक मात्रा है इसमें ठीक है और उसके बाद से ए है यानी कि सिंपल इसमें एक मात्रा मे है मॉ प्लस ए यानी कि इसमें दो मात्रा है तो यहाँ पर लिख दीजिए उसके बाद से जी है जी में भी देखिए जी किधर से है जी जो है वो इधर से है इस तरह यानी कि छोटी की मात्रा है तो इसके लिए एक मात्रा लेंगे कि दो मात्रा लेंगे एक मात्रा लेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर छोटी की मात्रा है जी जब इधर से रहती तब तो आप दो मात्रा बड़ी की मात्रा रहती तब दो मात्रा लेते ठीक है तो यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो एक हो गया उसके बाद से त है त में भी एक मात्रा ना है नौ प्लस आ तो न यानी कि इसमें दो मात्रा है तो है ते है ते तो प्लस ए यानी कि इसमें भी दो मात्रा है उसके बाद से लॉ है इसमें एक मात्रा अब इन सब को जोड़िए देखिए एक दो 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 चार और चार पाँच छः छः दो आठ आठ दो दस और एक, एक ग्यारह कितना मात्रा हो गया टोटल ग्यारह मात्रा इसी चीज़ को आप लोग उर्दू में भी गिन कर देख सकते हैं पहले और तीसरे चरण में आप लोग देखिए तेरह तेरह मात्रा ही आएंगी और दूसरे चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्रा आएगी मैं चाहती तो उर्दू में भी गिन कर आप लोग को बता सकती थी लेकिन आप लोग हिंदी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं और अ आ छोटी बड़ी की मात्रा आप लोग ये सारा चीज़ जानते हैं तो हिंदी में समझाना आप लोगों के लिए आसान था इसीलिए मैं आप लोग को हिंदी में समझा दी वरना ये भी आसान है मतलब हिंदी से ज़्यादा तो उर्दू आसान है देखिए ते में अलिफ जुड़ा है यानी कि इसमें दो मात्रा है इसमें भी दो मात्रा चार दो छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह इस काफ़ी दिख जा रहा है कि इसमें तेरह मात्रा है तो उर्दू में तो बहुत इससे भी ज़्यादा हिंदी से आसान है बट आप लोग हिंदी जानते हैं इसीलिए मैं आप लोग को हिंदी में समझ आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा अब चलिए मैं आप लोगों को इस चैप्टर में जितने भी दोहे दिए गए हैं वन बाई वन करके मैं उसको पढ़ती हूँ और उसका तशरी करती हूँ ठीक है तो ये मैं ले लेती हूँ बुक और पहला दोहा तो मैं बोर्ड पर लिखी ही हूँ तारे छू जुगनू पकड़ रस सपनों के खेल रात की इतनी उम्र है दिए में जितना तेल देखिए इसका मतलब ये हुआ कि तारे छू जुगनू पकड़ यानी कि आसमान को छू तुम ऊँचाई तक जा तू नामुमकिन काम को भी तुम मुमकिन कर दे रच सपनों के खेल तुम्हारा जो भी सपना है जो तुम सपना देखे हो तुम जो सपना रचे हो जो तुम बनना चाहते हो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस पर खेल रच यानी कि उस पर प्लानिंग कर और अपने सपनों को साकार कर ठीक रात की इतनी उम्र है दिए में जितना तेल यानी कि रात की उतनी ही उम्र होती है जितना दिए में तेल इसके माध्यम से जफर गोरखपुरी ये बताना चाह रहे हैं कि तुमको सफलता उतनी ही मिलेगी जितना तुम मेहनत करोगे रात की उतनी ही उम्र है दिए में जितना तेल यानी कि तुमको सफलता उतनी ही मिलेगी जितना तुम मेहनत करोगे अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो ज़्यादा मेहनत करते हो तो तुमको सफलता ज़्यादा मिलेगी ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगा अगर तुमको सफलता कम मिल रही है समझो कि तुम मेहनत भी कम किए थे यानी कि तुम्हारी सफलता डिपेंड करती है तुम्हारे मेहनत पर जितना ज़्यादा तुम कड़ी मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा तुमको सफलता अचीवमेंट मिलेगी ठीक है जिस पर्दे में झांकिए बस एक तेरा रूप क्या बादल में बूंदिया क्या सूरज में धूप इसमें बोल रहे हैं कि जिस पर्दे में झांकिए सभी पर्दे में खुदा तेरा ही रूप दिखाई देता है क्या बादल ये जो बादल है और बारिश की बूंदे हैं और सूरज का धूप है इन सभी चीज़ों में खुदा का ही रूप दिखाई देता है हद से अधिक जिंदगी सच पूछो तो रोग आगा पीछा सोचते बूढ़े हुए लोग यहाँ पर बोल रहे हैं जफ़र गोरखपुरी की उन लोगों के बारे में बताएं हैं जो हमेशा संजीदगी में रहते हैं आगे पीछे सोचते रहते हैं कि मैं ये काम करूं कि ना करूं, लोग क्या सोचेंगे वो क्या सोचेगा ये क्या सोचेगा मतलब हमेशा कंफ्यूज़न में ही रहते हैं संजीदगी में ही रहते हैं कि मैं ये काम करूँ कि ना करूँ तो इस तरह लोग जो है ना सोचते सोचते आगे पीछे सोचते सोचते बूढ़े हो जाते हैं और जब ये संजीदगी ज़्यादा बढ़ जाती है यानी कि वो ज़्यादा ही कंफ्यूज़न में रहने लगते हैं तो ये एक रोग यानी कि बीमारी हो जाती है ठीक है भूखी भेड़ के जिसम में बस चरवाहे को दूध दे या ताजर को ऊन देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो भूखी भेड़ होती है उसको कौन खिलाए पिलाए उसको भूख लगाए तो जो भी इंसान उस भेड़ को खिलाता है पिलाता है पालता है वो कुछ ना कुछ अब उस भेड़ से फायदा सोचना शुरू कर देगा या तो उससे दूध लेगा या फिर उससे ऊन लेगा है ना तो वही बोला जा रहा है कि जो चरवाहा है वो भेड़ को पोसता है पालता है खिलाता है पिलाता है क्यों क्योंकि उसको भाई भेड़ से फ़ायदा है दूध मिलता है या फिर जो ताजिर होते हैं बिजनेस वो भेड़ को पास्ते पोलते हैं फिर खिलाते पिलाते हैं क्यों क्योंकि उस भेड़ से उनको फ़ायदा है ऊन मिलता है फ़ायदा की वजह से उस भेड़ को पालते पोसते हैं तो इस दोहे के माध्यम से ज़फ़र गोरखपुर ये बताना चाह रहे हैं कि जब इंसान को दूसरे इंसान से कोई ना कोई फ़ायदा होता है तभी वो इंसान उस इंसान की रिस्पेक्ट करता है आगे पीछे झूलता है कि भाई उसको काम है फ़ायदा है उस इंसान से है ना और जैसे ही काम निकल जाएगा तो वही वाला बात हो जाएगा अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता अपना काम निकल के अब कोई कुछ भी करे हमें उसे क्या ठीक है तो वही बात बोला गया है कि जब इंसान को दूसरे इंसान से फ़ायदा होती है काम होता है तब इंसान बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट करता है आगे पीछे झूलता ही रहता है अच्छी अच्छी बातें करेगा ठीक है जाकर बैठे चार पल किन पेड़ों के पास जफर हमारे भाग में शहरों का बनबास देखिए यहाँ पर ज़फ़र गोरखपुरी बोल रहे हैं कि ये जो शहर है इस शहर में मैं चार पल किस पेड़ के पास जाकर बैठूँ यहाँ पर कोई पेड़ है ही नहीं और यहाँ पर मतलब मैं जाकर बैठूँगा यहाँ पर कोई बात करने वाला नहीं ये शहर है ऐसा लग रहा है जंगल है बनवास है इससे लाख गुना अच्छा मेरा गाँव था जहाँ पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ हजारों पेड़ थे और हमारा गाँव पेड़ पौधों से हरा भरा दिखाई देता था और वहाँ पर लोग जो थे वो बातें किया करते मैं किसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाता था तो वहाँ पर चार पांच लोग पहले से ही बैठे रहते थे ठीक और जो गैर लोग हैं वो भी मुझसे बातें किया करते थे लोगों में जो अपनापन होता है वो चीज़ मुझे देखने को मिलती थी लेकिन ये शहर है ऐसा लग रहा है कि मैं ब, मैं वनबास में आ गया हूँ यानी कि जंगल में आ गया हूँ जहाँ पर मैं सिर्फ घूम सकता हूँ और कुछ नहीं किससे किसी को मतलब नहीं बस जाओ काम करो फिर अपने रूम पर आओ और उसके बाद से किसी से कोई मतलब नहीं और मैं किसी यहाँ पर तो कोई पेड़ ही नहीं है जहाँ पर मैं चार पल जाकर बैठ सकूँ ठीक ले आते बाज़ार से सुख के लम्हे चंद पैसों से मिलता कहीं जो मन का आनंद यहाँ पर ज़फ़र गोरखपुरी बोल रहे हैं कि मैं भी बाज़ार से सुख का यानी कि खुशी सुख का कुछ लम्हा कुछ समय खरीद कर ला देता अगर पैसों से बाजार में मन का आनंद यानी कि मन की शांति मिलती मन की खुशी मिलती तो मैं वो भी खरीद कर ला देता लेकिन अफसोस ये सारी चीज़ें पैसों से नहीं मिलती है मन का आनंद मन की खुशी और सुख और और शिक्षा ये कभी भी पैसों से नहीं बिकता है अगर बिकता तो मैं भी क्या करता खरीद कर ला देता बाजार से इससे बढ़कर और क्या रिश्तों की पहचान गिरे कुल्हाड़ी पेड़ पर और मैं लहू लहान यहां पर बोल रहे हैं कि इससे बढ़कर रिश्तों की पहचान और क्या हो सकती है कि जब पेड़ पर कुल्हाड़ी गिरती है ना तो ऐसा लगता है कि मैं लहू लहान हो गया यानी कि ऐसा लगता है कि मेरे पर कुल्हाड़ी गिर गई इससे बढ़कर और रिश्तों की पहचान क्या हो सकती है कि पेड़ पर जब कुल्हाड़ी गिरती है तो ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कुल्हाड़ी गिर गई है ठीक है रात पराय देश की हर सपना बर्बाद जुगनू सा चमका करे माँ का आशीर्वाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब कोई इंसान पराय देश में जाता है प्रदेश जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि अपने पूरे परिवार को वो छोड़ जाता है दूसरे देश जहाँ पर उसका कोई अपना नहीं है सभी लोग अनजान रहते हैं और वहाँ पर जाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है घबराहट होती है टेंशन होता है लेकिन उस वक्त जो सबसे ज़्यादा साथ देता है वो होता है माँ का आशीर्वाद माँ का आशीर्वाद जु सा चमका करता है और हौसला हिम्मत ताकत माँ के आशीर्वाद से ही उस इंसान को मिलती है ठीक और देखिए माँ का आशीर्वाद जो है ना कभी भी किसी के सामने झुकने नहीं देती है और माँ का आशीर्वाद जुगनू सा चमका करता है बच्चे टीवी देखकर खुश तो हुए जनाब दुख लेकिन इस बात का है बेवा हुई किताब यहाँ पर बोल रहे हैं कि बच्चे टीवी देखकर खुश तो हुए और अपने बच्चों को खुश देकर माता पिता भी खुश हो गए यानी कि उसके पेरेंट्स भी खुश हो गए लेकिन दुख इस बात का है कि बेवा हुई किताब यानी कि किताब क्या हो गई विधवा हो गई किताब से सारा रिश्ता नाता टूट गया क्या चिंतन क्या चेतना भोर अपनी न साँझ कंप्यूटर के काल में सब बंजर सब बाँझ ये लास्ट दुआ है और इसमें बोल रहे हैं जफर गोरखपुरी कि आजकल के लोगों का सोच और समझ अजीब हो गया है वो अपना मतलब ना भोर समझ रहे हैं और ना साँझ समझ रहे हैं भोर समझते हैं किसे कहते हैं भोर कहते हैं सुबह जो है ना जब फज्र का अजान होता है उस वक्त के समय को मतलब चार पाँच बजे के समय को बोला जाता है भोर ठीक है और साँझ बोला जाता है शाम के समय को शाम का चार पाँच बजे का समय पाँच छः बजे का समय को बोला जाता है साँझ तो वही बोल रहे हैं कि आजकल के लोगों का सोच अजीब हो गया है सोच समझ कि वो अपना न भोर समझ रहे हैं ना साँझ समझ रहे हैं और इस कंप्यूटर के काल में सब लोग बंजर और बांझ हो गए हैं रात को सोते हैं बारह एक बजे और उठते हैं सुबह दस ग्यारह बजे ठीक है तो इसके वजह से जो है ना सब लोग बंजर हो गए हैं सब कोई भी जो है ना स्वस्थ नहीं रह रहा है सभी को कोई ना कोई बीमारी रह रही है क्यों क्योंकि वो ना साँझ समझ रहे हैं ना भोर अगर शाम को जल्दी सो जाते हैं रात को और सुबह में जल्दी उठते तो सुबह का जो हवा होता है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सुबह का हवा लेना चाहिए तो ये सारी चीज़ें थी ये होता है आप लोगों का दुआ कंप्लीट कोई भी कंफ्यूज़न हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को और उसके बाद से शेयर करना है आपको चारों तरफ अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज